तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हाल चाल मजाम। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। मैं आपका भाई दुर्गेश एवं अपने आज ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन पे 2 बजे जनता पैट्रियट ऑफिशियल पर 4 बजे वीडियो आ रही है। बहुत ही गजब वीडियो होने वाली है, दोनों तो उन्हें देखना मत बोलिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो एक बार आप चैनल को सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोग इस क्लिप को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लिप में जो लोग भी हैं वो सक्सेस हैं और काफी नॉलेजेबल हैं, तो शायद आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज। हो सकता है आप में से कई लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएं, तो इतना ही कहना है कि आप अभी जा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। हर बार मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ नया और कुछ अच्छा दे पाऊँ, तो आज की वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष। You came all the way from UK to receive the power, receive fire. Shibya kya tiarya kya ramarya shaboya rikyarya kamarya shabba kash. आसमान से देखता है हमारे भगवान राम का बनाया हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बनाया हुआ राम सेतु। अब हमारी पिछली सरकार में सोनिया जी की सरकार थी, उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि राम जी हुए ही नहीं, तो आज तक वाले मेरे पास आए, बोले जी देखो सोनिया जी की सरकार ने क्या कह दिया। मैं इनका दोष ही नहीं है, दूसरे घर से बहू आती है तो उसको क्या पता अपने पूर्वज कौन है, दादा कौन है। जिस समय पर खालिस्तान का झंडा ऊपर चढ़ रहा था, उस झंडे को दिखाने वाला जो व्यक्ति आप लोगों को नीचे दिख रहा है, ये है विक्की थॉमस। और ये पूरे के पूरे यूरोप में फेमस है। ये गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक है, ये राहुल गांधी के नज़दीक है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत नज़दीक है, ये पूरे गांधी खानदान के बहुत नज़दीक है। ये इस आंदोलन में पहुंचता है सिर के ऊपर सिख निशान पहन करके भगवा, और ये वहां पर वाहेगुरु जी का खालसा बताता है। ये उड़ती हुई एक चील को बाज बता देता है और कहता है कि देखिए बाज आ गया यहां पर। एक ईसाई ही कन्वर्टेड, 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड विक्की थॉमस ही चील को बाज बता सकता था। अरे कौन सा औरंगाबाद, उस औरंगजेब की कैसी याद, अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। जब फौजी गेम लॉन्च हुआ था तब मैंने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी अपने इसी चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट पे, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडियन गेम था, ना कि उसे अक्षय कुमार ने प्रमोट किया इसलिए। बट वो गेम खेलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि देशभक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया गया है। जहां बॉलीवुड वालों की एंट्री हो जाए, क्या आपको लगता है वहां वो लोग अपना एजेंडा फिट नहीं करेंगे? अगर आप लोगों ने गौर किया हो, अगर नहीं किया तो एक बार कीजिएगा। जैसे ही उस गेम का इंट्रो स्टार्ट होता है तो उसमें वो लोग फैजल यानी अफजल का नाम 3 बार लेते हैं स्टार्टिंग में ही, और शुरुआत ही उसी नाम से करते हैं। मुझे और आपको सबको अच्छे से मालूम है कि हमारी इंडियन आर्मी में संत प्रिय मजहब की कितनी गिनती है, कुछ गिने चुने लोग हैं, उसके बावजूद भी ये उन्हें घुसेड़ना नहीं भूले।
why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written ki God says mere ko doodh dena and Hanuman saying mere ko tel dal? I don't understand why are people wasting so much. At the same time apan he bolto hai ki farmers they are dying because of less food, this thing, money. हे सगळं तुम्ही त्यांना द्या ना. मला काय कळतच नाही की म्हणजे आय गो टू टेम्पल्स अँड थिंग्स लाईक दॅट, देअर सो मच ऑफ वेस्ट. नारळ फोडून 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 काय काय होणार आहे त्याच्यानं? तो विच गॉड हॅज सेड की मेरे ऊपर नारळ फोडो? सो दिस इज ऑल वी नीड टू डेव्हलप इज दॅट माइंडसेट की स्टॉप डुईंग ऑल दीज थिंग्स अँड लेट्स थिंक इन अ प्रॅक्टिकल वे. आई थिंक द बेस्ट वे. खैर हम जितने भी सनातनी हैं हमारी ये शिकायत नहीं कि भाई तुमने हमारे लिए ऐसा क्यों बोला. हमारी शिकायत ये रहती है कि तुमने सिर्फ हमारे लिए ही क्यों बोला. अगर एक बाप की औलाद हो तो कभी शांतिप्रिय मजहब पर भी बोल के दिखाओ. उसमें जो कुरीतियां हैं हलाला तलाक बुरका उस पर कभी बोल कर दिखाओ. उस पर ये लोग कभी नहीं बोलते. खैर इससे ज्यादा की कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है. रेलवे स्टेशन की बात है, मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया. जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है. ये इस क्लिप को मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर किया गया और मुझसे कहा गया कि भाई आप इस क्लिप को जरूर देखिए. जिन भाइयों ने भी मुझे ये वीडियो सेंड करी उनका मकसद ये नहीं था इस वीडियो को मैं देखूं. उनका मकसद ये था कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों और उन्हें नॉलेज मिले. ये जो बार बार एक नैरेटिव बनाया गया कि साहब भारत जो है वो 1000 साल से गुलाम है, ये नैरेटिव भी भारत के इरफान हबीब और रोमिला थापर ने बनाया और इस देश के मुसलमानों ने बनाया कि कॉन्स्टेंटली इस पूरी कम्युनिटी को एहसास कमतरी में रखो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रखो. जबकि ओमेन जी का कहना है कि हम इस तरीके से गुलाम नहीं रहे हैं. कभी भारत में मुगलों का पूरा राज नहीं हुआ है और जो बहुत सारी लड़ाइयों खासतौर से जो राजस्थान की बहुत से युद्ध थे उसके बारे में कुछ नई रोशनी जो है डॉक्टर ओमेन जी बार बार कहते रहे. डॉक्टर साहब आप जरा सा अपनी बात बताएं. मैं जैसे निवेदन कर रहा था ललित भाई के आने से पहले कि महाराणा हमीर सिंह जी ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने कैद करके रखा. इसी तरह महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 महीने अपने यहां पर कैद करके रखा. महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जूते मार के गागरौन के युद्ध में पराजित किया. ऐसे दर्जनों युद्ध हुए जहां हिंदू राजाओं ने इन इन मलेच्छों को पराजित किया. और अगर सबसे प्रामाणिक बात जो कि हमसे बिल्कुल ही छुपा दी गई है, 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक अटैक भारत पर हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब राजा दाहिर को मारा गया. हिंदू जनमानस के लिए ये बात अकल्पनीय थी कि किसी हारे हुए राजा की बेटी को दूसरा राजा भोगदासी बनाकर ले जाएगा. सेक्स स्लेवरी हमारे चित्त में थी नहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा होते हुए तो राजा दाहिर का बेटा भागकर महाराणा बाप्पा रावल चित्तौड़ के पास गया और उसने जब उनको कहानी सुनाई तो बाप्पा रावल को तुरंत समझ में आया कि ये जो मलेच्छों का टोला है, ये जो है इससे नॉन नेगोशिएबल है पीस. उन्होंने तुरंत प्रतिहार राजाओं के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ एक हिंदू फ्रंट बनाया. ये मैं 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं आपको, आज से 1300 साल पहले. जोधपुर के पास अरब सेना का और राजपूतों की हमारी हिंदू सेना का संघर्ष होता है. अरब खुद अपने एनल्स में लिखते हैं हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो नरसंहार किया राजपूतों ने हमारा. और महाराणा बाप्पा रावल ईरान तक उसको छोड़कर आए थे पीटते पीटते मोहम्मद बिन कासिम को. आते वक्त अफगानिस्तान में सलीम नाम का एक राजा बिठा दिया था इन लोगों ने, तो उसको हटा के अपने भतीजे को वो वहां पर राजा बनाकर आए. हर 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बिठाते आए. उसका प्रमाण ये है 7वीं शताब्दी से लेकर
1192 500 साल तक भारत इस्लामिक आक्रमणों से बचा रहता है उन चौकियों के कारण। राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता का उन्नर होते हैं, राष्ट्रपिता बाप रावण थे इस देश। तो उस समय में जब कोई संचार माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था, 500 साल तक हम सुरक्षित रहे उस महापुरुष की वजह से। और उसके बाद समर सिंह, महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, करण सिंह और राज सिंह, यानी पूरे हिंदुस्तान का जो ये जो ये जो ये जो राज परिवार है मेवाड़ का, मैं चुनौती देता हूं पूरे मानव इतिहास में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो हजार साल तक, सातवीं से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक, महाराणा राज सिंह जी तक 1000 साल तक इस्लाम से खुली चुनौती ली है जिस परिवार ने, एक परिवार ने, एक सिसोदिया परिवार ने 1000 साल तक। देखिए राजा भिड़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स बदलती है, हार जीत तो होती है, युद्ध तो हारता है आदमी, युद्ध जीतता भी है। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, महाराणा मेवाड़ के महाराणा और उनका इस्लाम से प्रतिरोध, उसका शीर्षक है। तो उसमें मैंने जो एक चैप्टर जो है पूरा इस पर लिखा है कि द लाय कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ, और मुगल एम्पायर भी झूठ ही था। देखिए एम्पायर जब होता है ना कहीं, तो वो क्या उसके मानक होते हैं, वहां कोई टैक्सेशन हो, वहां पर कोई आर्ट हो, कोई कॉमर्स हो, ट्रेड रूट्स हो, वहां के लोगों के क्या लिटरेचर पे कॉन्ट्रीब्यूशन था, आपको मिलता है कोई 150 साल के मुगलों के राज के अंदर? आपको सिवाय इसके कि कभी दक्षिण में रिबेलियन हो रहा था, कभी आसाम के अहोम कर रहे थे, कभी कलिंग में हो रहा था, कभी अफगानिस्तान में हो रहा था, कभी मेवाड़ में हो रहा था, कभी पंजाब में हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा था, कभी सिंध में हो रहा था, ये सिर्फ इस देश को अन्य अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर मैनेज कर रहे थे, जिसको जिसको कि मुगल एम्पायर कहा गया। यानी झूठ की भी कोई सीमा होती है। और दिल्ली सल्तनत वॉज अ जोक, मेहरौली से लेकर और यमुना तक का राजा थे, और ये लुटेरे थे, ये कोई क्रिएटिविटी इनकी थी नहीं, मर्सनरीज थे, पैसे के लिए लोगों की हत्याएं करते थे, लोगों को मार डालते थे, स्त्रियों का शोषण इनका धंधा था। और हिंदुओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आई, और हम कभी गुलाम नहीं रहे, एक क्षण के लिए हम गुलाम नहीं रहे, क्योंकि यदि अगर हम गुलाम 10 साल के लिए भी एक छत्र राज हो जाता इनका, तो एक भी हिंदू नहीं मिलता सर यहां पर। जो प्रताप की महानता निकलकर आती है वो इस बात से निकलकर आती है कि उन्होंने अपना भला, अपनी तलवार, अपना बिगुल तब बजाया जब वो नितांत एकाकी रह गए थे। ईडर, आबू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मालवा, आसपास के सब राज्य अकबर के समर्पण कर चुके थे, एक प्रताप नहीं झुके। आज अगर हम हिंदू हैं तो एक प्रताप के कारण। तो ये कहना कि भारत में हिंदू जो थे 1000 साल गुलाम रहे, भैया पर्शिया गुलाम हुआ था जो ईरान बन गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ था तो इराक बन गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन गति देख लो उसकी क्या हुई है। आज 100 करोड़ हिंदू हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने रक्तरंजित संघर्ष किया, इस माफिया के असली स्वरूप को पहचाना और उसका सशक्त प्रतिकार किया। ये तो पिछले 70 साल में इन मलेच्छों ने क्या किया कि उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा था कि 47 से लेकर 77 तक 5 हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो शांतिदूत थे, जिसमें वो मदरसा छाप आजाद था, फिर वो नूरुल हसन, फिर वो हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, एमसी चागला। तो अब आपको आश्चर्य होता है कि आपके हिस्ट्री से हमीर सिंह और कुंभा का नाम ही गायब है और प्रताप को एक भगोड़ा कहा जाता है। प्रताप का असली युद्ध हुआ था दिवेर में 1583 में, 7 साल बाद हल्दी घाटी के, जहां उन्होंने 36,000 मुगलों को 3 दिन में काटा था और पूरा का पूरा मेवाड़ प्रताप ने वापस पुनर्ग्रहित कर लिया था दुनिया की सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर से, सो कॉल्ड पावरफुल। तो ये सत्य है। अब इसको से निकाल दीजिए, आप गुलाम रहे थे, हम गुलाम रहे थे, हम कभी गुलाम नहीं रहे। और जब उतनी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में हम गुलाम नहीं रहे, तो आज तो हिंदू कहां कहां नहीं पहुंचे हुए हैं। अब केवल केवल इस बात की आवश्यकता है कि हम कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ,
हम अपने रिसोर्सेस को पूलिंग करें, धर्मांश दें, एक दूसरे का सहायक बने, नैरेटिव का वॉर अच्छी तरह संजय दीक्षित सर, पुष्पेंद्र कुलशेष जी, कितने प्यारे प्यारे लोग अपना सर्वस्व दाम पर लगाकर लड़ रहे हैं, अब तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इनको 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 पराजित करें। दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम, इनका खेल पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। जो दुख हमारी बच्चियों को, जो दुख हमारे कश्मीरी पंडितों को उठाने थे वो उठा चुके, हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन अब ये सिलसिला समाप्त है, अब सनातन धर्म पुनर्जीवित और पुनर्विजयी होकर रहेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। आज मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अपना ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन वाला चैनल है उसकी रीच बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, तो उस पर 2 बजे वीडियो आएगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आती है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन और उसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एवं जो अपना द पैट्रियट ऑफिशियल चैनल है उस पर भी 4 बजे वीडियो आएगी और करीब 25 मिनट की वीडियो होने वाली है। वो वीडियो जितनी लंबी है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो लाइक तो एक बनता ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।